यहाँ लिखा है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, कैकेयी जो है भरत के लिए राम से कहती है कि ये भरत मुझको बहुत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और भरत के हे राम तुम प्यारे हो। कैकेयी का पुत्र भरत है तो कैकेयी कहती है कि ये पुत्र भरत मेरा प्यारा है और मेरे पुत्र भरत के तुम प्यारे हो, हे राम तुम प्यारे हो, और इस रिश्ते से मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तुम हे राम मेरे दुगने प्रिय हो और तुम मेरे दुगने प्रिय हो और मुझसे रहो न न्यारे, मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, मैं माँ हो करके अपने पुत्र भरत के विषय में नहीं जान पाई, मैं इसके हृदय में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान पाई, लेकिन उसके विषय में आप हे राम आप जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम और अपने से ज़्यादा तुम भरत से प्रेम करते हो। मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, कैकेयी कहती है कि मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या ना जानूं, किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो और तुम इसे अपने से अधिक प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध है और सभी के सामने ये प्रकट हुआ है कि राम और भरत का प्रेम जो है बहुत बड़ा प्रेम है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वो सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो जो है यहाँ पर जो सब लोग जान गए हैं कि राम और भरत का प्रेम सबके जो है बहुत संबंध, जो प्रेम संबंध है बहुत अच्छा है, तो उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है, मैं भी संतुष्ट हूँ। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मेरा जो पाप का दोष है, जो मेरे अंदर पाप था, वो भी मुझे जो है पुण्य रूपी संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं पंकिला हूं, मैं स्वयं कीचड़ के समान हूं, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भारत जैसा पुत्र पैदा हुआ। पंकिला माने कीचड़ और पद्म कोश माने होता है कमल, कमल कोश। तो यहां पर बच्चों कैकेयी ने अपने अनुताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है और मैथिली शरण गुप्त जी ने मनोविज्ञान का आश्रय सहारा लेकर के कैकेयी के चरित्र पर लगे धब्बों कलंकों को साफ करने का सार्थक प्रयास किया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर और समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगत माने आने वाले और ज्ञानी जन माने विद्वान लोग, यानी कहने मतलब यहाँ कैकेयी कह रही है कि हे राम आगे आने वाले जो ज्ञानी जन है, जो विद्वान है तुम्हारे, है ना, समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे देकर, यानी तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, है ना। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, यानी कहने का मतलब है कि जो विद्वान लोग जब भविष्य में आएंगे तो भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में ये प्रमाण देंगे लोगों को और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करें। समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, और मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। यहाँ पर जो है कैकेयी कह रही है,
बेटा कहा है राम को, है ना। तो यहाँ पर जो है कैकेयी कह के, हे बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, है ना, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा कि एक मैं माँ हूँ। और माँ के अधीर हृदय यानी माँ के हृदय की बात कर रही है, और माँ के अधीर हृदय में यानी हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि माँ का हृदय बहुत विशाल होता, वो तर्क नहीं करती, केवल अपने संतान का हित चाहती है। वो तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है, उसका दिल चाहता है केवल अपने संतान की भलाई। हे बेटा मेरे भीतर भी वही माँ का अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। इसलिए पंक्तियां कह रही हैं माँ के हृदय के विषय में, कह रहे हैं कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, है ना, क्योंकि हृदय कोई तर्क नहीं चाहता, केवल अपनी संतान की भलाई चाहता है माँ का हृदय। और जो है कि उसके पुत्र भलाई ये चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर आपस में प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहें। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बेटा उसके सभी बेटे लड़ाई करें आपस में। वहीं अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। हृदय का मानवीकरण किया गया है ना। और तुम्हें वो जो माँ का हृदय है अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का मतलब ये है कि मेरे हृदय को ये नहीं पता था कि अपराध किसका था या मैं दोषी हूं अथवा नहीं, वो तो केवल ये चाहता था कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात मेरे प्रेम से दूर न रहो, अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या लौट चलो। ये कैकेयी कह रही है। तो बच्चों यहाँ पर माता के ममत्व को अभिव्यक्त करने में गुप्त जी को सफलता प्राप्त हुई। कैकेयी के पश्चाताप से धुले उसके पवित्र हृदय की झांकी प्रस्तुत करने में भी गुप्त जी सफल हुए हैं। यहाँ कैकेयी के चरित्र को उज्जवल बनाकर माता के हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का उनका प्रयास, मैथिली शरण गुप्त का प्रयास अतुलनीय है।